हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम मुल्क राज आनंद जी को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके EMRS के स्पेशली ये क्लास PGT एंड EMRS स्पेशली EMRS में हैं ये राइटर। तो मैं इनके की फैक्ट्स लेके आई हूँ, की फैक्ट्स के थ्रू हम इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम से पहले या फिर अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं EMRS का, तो उसके पहले अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा आपका। ओके, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं इनसे रिलेटेड, वो सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। सो स्टार्ट करते हैं मुल्क राज आनंद जी को। ओके, 1905 में इनका जन्म होता है और 2004 में इनकी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं, पढ़ने वाले हैं। 12 दिसंबर 1904 में इनका जन्म होता है, ये बर्थ होता है इनका, ये याद रखेंगे आप। और 28 सितंबर 2004 में इनकी डेथ होती है निमोनिया के कारण। आगे हम पढ़ने वाले हैं, पायनियर ऑफ इंडो एंग्लिकन फिक्शन, ये याद रखना है, इंडो एंग्लिकन फिक्शन के ये पायनियर हैं, माने जाते हैं पायनियर ये। फेमस वर्क इनके कौन कौन से हैं, तो कुली है, अनटचेबल है, ये फेमस वर्क दोनों हैं। नेक्स्ट वन, यहाँ से की फैक्ट के हम थ्रू पढ़ेंगे इनको। तो फर्स्ट जो आपका की फैक्ट है, मुल्क राज आनंद वॉज एन इंडियन राइटर हु इज़ फेमस फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स इन इंग्लिश। तो मुल्क राज आनंद जी एक भारतीय लेखक थे। मैं हिंदी में बताऊँगी पूरा, हर चीज़ को पूरा हिंदी में समझाऊँगी, चाहे वो ईजी हो या टफ हो। मुल्क राज आनंद जी ये एक भारतीय लेखक थे जो अंग्रेजी में अपने साहित्यिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे, इंग्लिश में अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए ये फेमस थे। नेक्स्ट वन है, ही वॉज बॉर्न ऑन 12 दिसंबर 1905 इन पेशावर पाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में हुआ था, जो आपके पाकिस्तान में ये पड़ता है। नेक्स्ट वन है, आनंद इज़ नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। ये जो फैक्ट है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आनंद जी को भारत में गरीबों की यथार्थवादी और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण के लिए जाना जाता है। क्यों जाना जाता है आनंद जी को इंडिया में, क्योंकि उनके रियलिस्टिक और इनके सिंपैथेटिक पोर्ट्रेट के लिए जाना जाता है, यानी कि गरीबों के यथार्थवादी और सहानुभूतिपूर्ण चित्रण के लिए आनंद जी को इंडिया में जाना जाता है, क्योंकि ये गरीबों के लिए बहुत सोचते हैं और ये गरीबों पर उन्होंने वर्क भी लिखे हैं। ओके, ही इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज टू मेक अ मार्क ऑन द इंटरनेशनल सिनेरियो। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये इंटरनेशनल सिनेरियो, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर छाप छोड़ने वाले अंग्रेजी भाषा के पहले भारतीय लेखकों में से एक हैं, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं हम। He is considered a pioneer of Anglo-Indian fiction and best remembered for his depiction of the poorer classes of people in India and their plight. बात यहाँ पे क्या हो रही है कि इन्हें pioneer माना जाता है, किसका, अभी हमने जैसे पढ़ा Anglo-Indian fiction का इन्हें pioneer माना जाता है, इन्हें Anglo-Indian कथा साहित्य का अग्रणी माना जाता है। pioneer means क्या होता है, अग्रणी, अगर इनका हिंदी देखा जाए तो ये क्या है, अग्रणी है माना जाता है। और उन्हें भारत में गरीब वर्ग के लोगों और उनकी दुर्दशा के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, भारत में इन्हें गरीब वर्ग के जो लोग हैं या उनकी दुर्दशा के चित्रण के लिए सबसे ज़्यादा आपके आनंद जी को ही याद किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। आनंद जी स्टडीड एट खालसा कॉलेज अमृतसर, ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स इन 1924 बिफोर मूविंग टू इंग्लैंड। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आनंद जी ने इंग्लैंड जाने से पहले 1924 में खालसा कॉलेज, कहाँ से, खालसा कॉलेज अमृतसर से पढ़ाई की और उन्होंने सम्मान के साथ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। ये याद रखना है, उन्होंने सम्मान के साथ अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। तो 1924 में लंदन जाने से पहले इन्होंने खालसा कॉलेज में पढ़ाई किया था, ये ध्यान रखना है।
ओके और वहाँ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएटिंग अपने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की थी। नेक्स्ट वन जो है ही अटेंडेड यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एज एन अंडर ग्रेजुएट एंड लेटर स्टडीड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी अर्निंग अ PhD इन फिलोसफी इन 1929 विद अ डिसर्शन ऑन बर्ट्रेंड रशल एंड द इंग्लिश एम्पिरिसिस्ट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने स्नातक के रूप में उन्होंने अंडर ग्रेजुएट के रूप में उन्होंने स्नातक के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था एंड बाद में वो क्या किए, बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अध्ययन की और PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। किस में? फिलोसफी में। कब? 1929 में PhD की उन्होंने डिग्री प्राप्त की। किस में उन्होंने PhD किया था? फिलॉसफी में विद डिजर्शन। ये आगे ध्यान रखना है कि उनके साथ और कौन थे, तो 1929 में बर्ट्रेंड रसल और अंग्रेजी अनुभववादियों पर एक शोध प्रबंध के साथ उन्होंने 1929 में फिलॉसफी में PhD की डिग्री प्राप्त की थी। तो ये ध्यान रखना है। ओके मतलब उन्होंने अंडर ग्रेजुएट के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया सबसे पहले एंड देन और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अध्ययन की। PhD की डिग्री उन्होंने यहीं से पाया था। नेक्स्ट वन पे आते हैं। आनंद मैरिड इंग्लिश एक्ट्रेस एंड कम्युनिस्ट कैथलीन वॉन गिल्डर इन 1938। जहाँ मैं लगा रही हूँ ये सारा ही आपका इम्पोर्टेंट है। कम्युनिस्ट ओके हैड अ डॉटर सुशीला लेटर दे गॉड डाइवोर्स इन 1948। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि आनंद जी ने 1938 में अंग्रेजी अभिनेत्री और कम्युनिस्ट कैथलीन वॉन गिल्डर से उन्होंने शादी की और उनकी एक बेटी थी सुशीला नाम की एक बेटी थी। बाद में वो क्या हो गए 1948 में ये अलग हो गए, डाइवोर्स उन्होंने इनसे ले लिया था कैथलीन वॉन से और इनसे इनकी एक बेटी थी सुशीला, ये ध्यान रखना है। 1938 में उन्होंने शादी की थी, 1948 में ये सेपरेट हो गए थे। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। हिज फर्स्ट नॉवल अनटचेबल, इनका जो पहला नॉवल है वो अनटचेबल इज अ चिलिंग एक्सपोज ऑफ द लाइफ्स ऑफ इंडियाज अनटचेबल कास्ट विच वर नेग्लेक्टेड एट दैट टाइम। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि इनका जो फर्स्ट नॉवल था वो कौन था, अनटचेबल, जो भारत के अछूत जाति जीवन का एक भयावह पर्दाफाश है। भारत के जो अनटचेबल यानी कि एक अछूत जाति के जीवन का एक भयावह पर्दाफाश है जिसे उस समय उपेक्षित किया जाता था, जिसे उस समय बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता था। मतलब जो छोटी जात के लोग होते थे पहले भारत में बहुत ज़्यादा होता था, अब तो नहीं है ऐसा, लेकिन जब शुरुआत में देखेंगे तो आप बहुत पीछे बैक में जाएंगे तो जो छोटी जात के होते थे उनसे जिस तरह उनकी जात छोटी है तो उनके साथ ये सब व्यवहार किया जाता था, अछूत वाला बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता था। ये चीज़ें ये इसीलिए इन्होंने इसी पर लिखा है अनटचेबल, ठीक है, इन्होंने वर्क ही लिख दिया है। तो ये जो नॉवल है ये इम्पोर्टेंट है। ये नॉवल पब्लिश कब हुआ था, 1935 में हुआ था। ओके चलिए आगे हम पढ़ने वाले हैं अनटचेबल के बारे में। नेक्स्ट वन जो है अनटचेबल कैप्चर्स द वर्नाक्यूलर इन्वेंटिवनेस ऑफ द पंजाबी एंड हिंदी इडियम इन इंग्लिश एंड द नॉवल वॉन आनंद हिज रेपुटेशन एंड इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ पे क्या हो रही है कि जो अनटचेबल है वो अंग्रेजी में, जो अनटचेबल है अंग्रेजी में पंजाबी और हिंदी मुहावरे के स्थानीय आविष्कारशीलता को दर्शाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अंग्रेजी में हिंदी जो आपका हिंदी मुहावरे हैं, हिंदी इडियम की जो स्थानीय आविष्कारशीलता है उसको दर्शाता है अनटचेबल। और ये जो नॉवेल है, इस नॉवेल ने आनंद जी को भारत के चार्ल्स डिकेंस के रूप में प्रतिष्ठा दिलाई थी, रेपुटेशन उनका हो गया था। तो पूछा जाएगा कि भारत का चार्ल्स डिकेंस कौन है, तो आपके मुल्क राज आनंद जी हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चार्ल्स डिकेंस मुल्कराज आनंद जी को कहा जाता है भारत का, इस वर्क की वजह से ऐसा उन्हें ये सम्मान मिल गया था। नेक्स्ट वन देखेंगे। डिवाइडिंग हिज टाइम बिटवीन लंदन एंड इंडिया ड्यूरिंग द 1930s एंड 40s आनंद वॉज एक्टिव इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1930
1930 और 40 के दशक के दौरान अपना समय लंदन और भारत के बीच बांटते हुए आनंद जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कैसे थे, एक्टिव थे। कब टाइम बिटवीन लंदन एंड इंडिया ड्यूरिंग द 1930s, ये आपने ध्यान रखना है कि 1930 और 40 के दशक के दौरान अपना समय लंदन और भारत के बीच बांटते हुए आनंद जी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में कैसे थे, एक्टिव थे, सक्रिय थे। नेक्स्ट वन देखेंगे, ही स्पेंट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्किंग एज स्क्रिप्ट राइटर फॉर द BBC इन लंदन। तो यहाँ उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यह ध्यान रखना है, उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड लंदन में BBC के लिए स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम किया, ये ध्यान रखना है। ओके, तो उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकेंड लंदन में BBC के लिए स्क्रिप्ट राइटर के रूप में काम करते हुए बिताया, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। आनंद रिटर्न टू इंडिया इन 1947, आनंद जी कब भारत लौटे, 1947 में वो भारत लौट आए थे। एंड कॉन्टिन्यू हिज प्रोडिजियस लिटरेरी आउटपुट देयर, और उन्होंने अपना जो लिटरेरी आउटपुट है, जो विलक्षण साहित्यिक उत्पादन जारी रखा, अपना प्रोडिजियस लिटरेरी आउटपुट उन्होंने कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन, ये इंपॉर्टेंट है, ही ऑल्सो फाउंडेड अ लिटरेरी मैगजीन मार्ग, ठीक है, उन्होंने एक लिटरेरी मैगजीन मार्ग की भी स्थापना की। तो जब पूछा जाएगा कि लिटरेरी मैगजीन कौन सा था जिनको आनंद जी ने फाउंड किया था, तो वो मार्ग है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। एंड टॉट इन वेरियस यूनिवर्सिटीज, और उन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया भी है। ओके, ये ध्यान रखना है, ये का इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें सारे ही जो मैंने जितने भी मैंने फैक्ट इसमें रखे हैं ना आनंद जी के लिए, तो ये सारा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, सारे ही इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से आपके एग्ज़ाम में पक्का आ जाएंगे, आना रहेगा यहीं से, सारे जो जहाँ से एग्ज़ाम में आते हैं इम्पोर्टेंट मैंने रखे हैं। ड्यूरिंग द 1970s ही वर्कड विद द इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे IPO के नाम से जाना जाता है एब्रीविएशन फॉर्म में, ऑन द इशू ऑफ कल्चरल सेल्फ अवेयरनेस अमंग नेशंस। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1970 के दशक में, 1970 के दशक के दौरान उन्होंने राष्ट्रियों के बीच सांस्कृतिक आत्म जागरूकता के मुद्दे पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रगति संगठन के साथ काम किया। किसके साथ काम किया, एक इंटरनेशनल प्रोग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया। क्यों काम किया, क्योंकि जो कल्चरल सेल्फ अवेयरनेस है, जो आत्म जागरूकता के मुद्दे पर उन्होंने इसके साथ काम किया था। उन्होंने राष्ट्रों के बीच जो सांस्कृति, जो आत्म जागरूकता के मुद्दे दिखाना था, तो उन्होंने IPO के साथ काम किया था 1970 के दौरान। ओके, दशक के दौरान, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन है, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द कॉन्फ्रेंस ऑफ द IPO इन इंसबर्ग ऑस्ट्रिया इन 1974 हैड अ स्पेशल इन्फ्लुएंस ऑन डिबेट। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 1974 में, कब 1974 में, इंसबर्ग ऑस्ट्रिया, इंसबर्ग कहाँ है, ऑस्ट्रिया में है, जिसमें उन्होंने 1974 इंसबर्ग में IPO के सम्मेलन में, किसमें, IPO के कॉन्फ्रेंस में, सम्मेलन में उनके योगदान का, तो डिबेट्स उनके योगदान का क्या था, उनके योगदान का बहसों पर विशेष प्रभाव पड़ा था, उनके डिबेट्स का बहुत ज़्यादा एक स्पेशल इन्फ्लुएंस पड़ा था, एक विशेष प्रभाव पड़ा था। दैट लेटर बिकेम नोन अंडर द हेडिंग ऑफ डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन, जो बाद में क्या हो गया था, जो बाद में डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन शीर्षक के तहत जाना गया, ये आपने याद रखना है, जो बाद में डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के हेडिंग के तहत ये जाना गया है। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, मतलब उन्होंने 1974 में क्या किया, इंसबर्ग में, उन्होंने 1974 में इंसबर्ग में IPO के कॉन्फ्रेंस में उनके योगदान पर, उनके योगदान का जो डिबेट था ना, वो एक इतना ज़्यादा स्पेशल प्रभाव डाल दिया कि बाद में वो डायलॉग अमंग सिविलाइजेशन के हेडिंग के रूप में ये शीर्षक के तहत जाना गया, सब जानने लगे। ओके, नेक्स्ट वन पे आते हैं। आनंद वाज अ लाइफ लॉन्ग सोशलिस्ट, तो ये पूरा जीवन क्या थे, आनंद आजीवन समाजवादी रहे, ये आपने ध्यान रखना है, सोशलिस्ट रहे वो पूरा जीवन, लाइफ लॉन्ग। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ये हमारे इंडियन ऑथर हैं, मैंने शुरुआत में ही बता दिया है,
सॉरी मैंने बताया नहीं था, अभी बता रही हूँ कि जो हमारे मुल्क राज आनंद हैं ये एक इंडियन ऑथर हैं जो आपके PGT EMRS आपके वहाँ पे पूछा गया है कि ये राइटर आपको पढ़ के आना है, आपके सिलेबस में है। ही वॉज अ फाउंडिंग मेम्बर ऑफ द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन एंड ही हेल्प्ड ड्राफ्टिंग द मैनिफेस्टो ऑफ द एसोसिएशन। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि वह क्या थे, वह ही वॉज अ फाउंडिंग मेम्बर ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स, मतलब वो प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने संघ के घोषणा पत्र को तैयार करने में भी मदद किया था। उन्होंने संघ का जो घोषणा पत्र है उसमें तैयार करने के लिए भी उन्होंने मदद किया था, और वो क्या थे, प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्य भी थे, ये आपने ध्यान रखना है। वो फाउंडिंग मेंबर भी थे प्रोग्रेसिव राइटर के एसोसिएशन, ओके, और उन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ द एसोसिएशन में करने में हेल्प भी की थी। नेक्स्ट वन पे आते हैं, आनंद मैरिड श्रिंक वजीफदार अ पारसी क्लासिकल डांसर फ्रॉम बॉम्बे इन 1950। इम्पॉर्टेंट है ये कि आनंद जी ने 1950 में बॉम्बे की एक पारसी क्लासिकल डांसर थी, एक शास्त्रीय डांसर थी जिनका नाम क्या था, श्रिंक वजीफदार। ये एक पारसी क्लासिकल डांसर थी, 1950 में इन्होंने इनसे शादी कर ली थी। तो आनंद मैरिड श्रिंक वजीफदार से इन्होंने शादी कर लिया था, जो क्या थी, एक डांसर थी। कौन सी डांसर थी, पारसी क्लासिकल डांसर थी। कब किया था इन्होंने शादी, 1950 में, कहाँ की थी, बॉम्बे की थी। नेक्स्ट वन पे आते हैं, आनंद वोन द इंटरनेशनल पीस प्राइज इन 1935। बहुत इंपॉर्टेंट है, आनंद जी ने, इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिला था, ये जीते थे 1953 में, तो 1953 में अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार इन्होंने जीता था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही वोन पद्म भूषण इन 1968, पद्म भूषण, ओके, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1971। तो 1968 में इनको पद्म भूषण मिला था और 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था, ये आपने ध्यान रखना। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, यहाँ से आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है सारे ही। नेक्स्ट वन पे आते हैं, आनंद डाइड ऑफ निमोनिया इन पुणे 28 सितंबर 2004 एट द एज ऑफ 98। तो आनंद जी की डेथ कब हुई थी, 28 सितंबर 2004 में इनकी डेथ हो जाती है, पुणे में डेथ होती है। पूरा इंपॉर्टेंट है, क्यों डेथ होती है, रीज़न क्या था, इनको निमोनिया हो गया था, निमोनिया की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, और किस एज में होती है, तो 90 उस समय ये 98 साल के रहते हैं, इनकी डेथ पुणे में हो जाती है निमोनिया के कारण 28 सितंबर 2004 को, ओके। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, वर्क्स ऑफ मुल्क राज आनंद जी, तो इनके वर्क से क्वेश्चन तो बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे, आना तो है ही है। तो देखते हैं, इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं, आत्मकथाएँ हैं इनकी, तो इसको देख लेते हैं हम। सबसे पहले है सेवन समर्स, जो कब आया था, 1951 में आया था। मॉर्निंग फेस 1971, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारे ही मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड कॉन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी 1981 में आया था, एंड पिलपली साहब 1985 में आया था। तो ये इनकी ऑटोबायोग्राफीज थी, इन्होंने 4 ऑटोबायोग्राफीज लिखी थी जो आपके सामने है। नेक्स्ट वन पे आते हैं, 1 मिनट, हाँ कुछ नॉवेल्स हैं इनके, इम्पॉर्टेंट हैं, नॉवेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स है अनटचेबल, जो कब आया था 1935 में, ये भी आपने याद करना है, क्या पता पूछ ही ले। कुली कब आया था, 1936 में आया था। टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937 में आया था। द विलेज 1939 में आया था। अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939 में आया था। एंड ये सारे नॉवेल्स हैं इनका। द शोवर्ड एंड द शिकिल 1942 में आया था। द बिग हार्ट 1945 में आया था। द लॉस्ट चाइल्ड 1934 में। सेवन समर्स ये एक मेमोयर है, ये आपने याद रखना है, ये मेमोयर है, 1951 में आया था। 10 पे आता है द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस 1953 में आया था। एंड द ओल्ड वूमेन एंड द काउ 1960 में आया था। द रोड 1961 में आया था। एंड द डेथ ऑफ अ हीरो 1964 में आया था। ये सारा ही इनका नॉवल है, और क्या पता ये नॉवल से ही पूछ लिया जाए। 3 नॉवल्स आपके मुल्क राज आनंद जी का रख दे और 1 नॉवल्स किसी अदर राइटर का रख दे, तो वहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, उनके वर्क को भी पढ़ना ही पढ़ना है, और आएगा पक्का। आगे देख लेते हैं, कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं।
शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन कुछ इनका है तो इसको भी देख लेते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरीज 1934, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरीज ये 44 में आया था, 19 एक ही है, इधर का चेंज हो जाएगा, 44 में आया था। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडिस एंड अदर स्टोरीज 1947 में आया था ये, एंड रिफ्लेक्शन ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज तो ये भी आपका 1953 में आया था। ओके, नेक्स्ट है द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज 1959 में आया था, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज मतलब लाजवंती और अन्य कहानियाँ 1966 में आया था, बिटवीन टीयर्स एंड लॉफ्टर 1973 एंड इंडियन फेरी टेल्स 1946। आगे देखते हैं, ये कुछ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन इनका, शॉर्ट स्टोरी है ये इनकी। मोर इंडियन फेरी टेल्स 1961 में, द गोल्डन ब्रेथ स्टडीज इन फाइव पोएट्स ऑफ न्यू इंडिया 1933 में आया था, तो ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन हो जाता है। आगे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडिया इंडियन आर्ट 1956 में आया था, एंड आपका काम कला 1958 में आया था, एंड होमेज टू खुजराहो, तो खुजराहो को श्रद्धांजलि, यानी कि ये भी इनका शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है लेकिन को ऑथर्ड विद स्टेला क्रामरिस्क, इनके साथ लिखा था इन्होंने, ये आपने याद रखना है, सहलेखक थे ये। ओके, ये आपने याद रखना है, स्टेला क्रामरिस्क, इनके साथ इन्होंने होमेज टू खुजराहो लिखा था। नेक्स्ट वन पे आते हैं, मेजर वर्क्स हैं, कुछ मेजर वर्क्स हैं इनको भी देख लेते हैं, कुछ मेजर वर्क्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनकी ब्रीफ मतलब एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। अनटचेबल, सबसे पहले अनटचेबल आता है, ये आपका देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, द नॉवल वॉज पब्लिश्ड इन 1935, कब पब्लिश हुआ था 1935 में ये नॉवल पब्लिश हुआ था अनटचेबल। नेक्स्ट वन है, दिस नॉवल इज इंस्पायर्ड बाई हिज आंट्स एक्सपीरियंस व्हेन सी हैड अ मील विद अ मुस्लिम वुमेन एंड वॉज ट्रीटेड एज एन आउटकास्ट बाय हर फैमिली। तो अनटचेबल इन्होंने क्यों लिखा, किस वजह से लिखा, इनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, ये नॉवल उनकी आंट के अनुभव से प्रेरित था, जब उन्होंने एक मुस्लिम, इनकी जो आंट थी, इनके आंट से ही प्रेरित था ये नॉवल, जब इनकी आंट एक मुस्लिम महिला के साथ भोजन कर लेती हैं और उनके परिवार वाले क्या कर देते हैं, उनके साथ बहिष्कृत व्यवहार किया था, उन्होंने कैसा किया था, एक आउटकास्ट ट्रीट उनके साथ किया था, ठीक है, कि तुमने मुस्लिम महिला के साथ क्यों खाया, मतलब वो ना छुआछूत इस टाइप का पहले लोग करते थे, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है, इस वजह से इनको ये इंस्पायर्ड हुआ, उन्होंने ये नॉवल लिखा, इनके परिवार वालों ने बहुत ज़्यादा इनके साथ बहुत बैडली ट्रीट किया था। आगे देखेंगे, इट डिपिक्ट अ डे इन द लाइफ ऑफ बाखा अ यंग स्वीपर हु इज अनटचेबल ड्यू टू हिज वर्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट्स। तो यहाँ पे इसमें एक यंग स्वीपर है, स्वीपर मतलब सफाई कर्मी, इसमें एक यंग स्वीपर है, एक सफाई कर्मी बाखा, आप इसे बखा भी पढ़ सकते हैं, बाखा भी पढ़ सकते हैं। बाखा के जीवन में एक दिन को दर्शाया गया है, जो टॉयलेट साफ करने के अपने काम के कारण अछूता है। तो इस प्ले में सॉरी अनटचेबल में एक दिन का बाखा की स्टोरी दिखाई गई है, जो ये एक यंग स्वीपर है और जो क्या टॉयलेट साफ करता है, तो टॉयलेट साफ करने के अपने काम के कारण वो क्या है, अनटचेबल है, उसको कोई छूता नहीं है, कोई उसके साथ बैठता नहीं है, कोई खाना नहीं खाता है, कोई पानी नहीं पीता उसके साथ, कोई उसको टच तक नहीं करता, उससे कोई दोस्ती नहीं रखता, क्यों, बिकॉज वो टॉयलेट क्लीनर मतलब वो एक स्वीपर है, इस वजह से उसके साथ छुआछूत वाला व्यवहार करते हैं लोग। आगे देखेंगे, द एंटायर प्लॉट गिव अस द अकाउंट ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ बाखा। यहाँ पे भी वही कह रहा है कि पूरा प्लॉट हमें बाखा के जीवन में एक ही दिन में होने वाली घटनाओं का विवरण देता है, उसके साथ एक ही दिन में क्या हुआ, ये पूरा प्लॉट हमें ये विवरण देता है। ही डजंट लाइक टू डू द वर्क ऑफ क्लीनिंग टॉयलेट, जो बाखा है उसे पसंद नहीं है टॉयलेट साफ करने का, उसे टॉयलेट साफ करना अच्छा नहीं लगता। ही वॉन्ट्स टू स्टडी एंड बी अ लर्न मैन, वो पढ़ना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो पढ़ाई करके विद्वान आदमी बनना चाहता है। लाखा, ये इंपॉर्टेंट रखना है, नाम जरूर आ सकते हैं कैरेक्टर के नेम, लाखा इज द फादर ऑफ बाखा, लाखा कौन है, ये बाखा के पिता हैं,
हु इज़ अ बिट ऑफ एंटागोनिस्ट इन द नॉवल, जो इस नॉवल में थोड़ा विरोधी है, थोड़ा एंटागोनिस्ट का काम उन्होंने किया है इस नॉवल में. ओके, हिज प्रोफेशन इज स्वीपर, उनका भी प्रोफेशन कैसा है, स्वीपर है, वो भी एक स्वीपर है लाखा. ठीक है, ये चीज़ दिखाई गई है. नेक्स्ट वन पे आते हैं. The outcast were not allowed to draw water from wells, enter temples or touch anything it would make anything impure and corrupt. आगे बात क्या हो रही है कि जो बहिष्कृत लोग होते हैं, जो आउटकास्ट, आउटकास्ट मतलब होता है जो जिनको निकाल दिया जाता है, जो बहिष्कृत लोगों को कुओं से पानी भरना, कहाँ से, कुओं से पानी भरना और आपके मंदिर में प्रवेश करना या फिर कोई चीज़ छूना, किसी चीज़ को छूने की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर वो छू लेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, यानी कि अशुद्ध हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी. ऐसा होता है ना, जिसे अनटचेबल, जिसको छूते नहीं है, अगर वही बाखा ही है जो जो एक टॉयलेट क्लीनर है, मतलब टॉयलेट साफ करता है, तो उसे क्या होगा कि जो अछूते हैं, जिनको अछूते हैं, जिनको बाहर कर दिया गया है समाज से, कि ये बहुत ही अछूत टाइप के, इनको, इनके साथ बैठना नहीं है, ना ही कुछ खाना है, ना ही पीना है, तो उसे आउटकास्ट कहते हैं. और ऐसे लोगों को ना ही मंदिर, ना ही कुएं में पानी भरने देंगे, ना ही मंदिर में प्रवेश करने देंगे, ना ही कोई चीज़ छूने देंगे. अगर उन्होंने ये चीज़ छू दी तो वो कैसी हो जाएगी, इम्प्योर, करप्ट हो जाएगी. पहले के लोग ऐसा ही करते थे, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. यही चीज़ पे उन्होंने लिखा है, अब मुल्कराज आनंद जी ने इसी चीज़ पे उन्होंने ये वर्क लिख दिया. उन्हें इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड वो इस चीज़ से हो गए, तो उन्होंने इस पे एक वर्क ही लिख दिया, अनटचेबल. इन द एंड ऑफ द नॉवल, नॉवल के अंत में क्या होता है, आनंद प्रेजेंट थ्री आंसर्स टू द मल प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नॉवल के अंत में आनंद जी छुआछूत की कुप्रथा को तीन उत्तर प्रस्तुत करते हैं. मतलब जो छुआछूत है, छुआछूत की जो कुप्रथा है, मल प्रैक्टिस जो है, उसके तीन उत्तर प्रस्तुत करते हैं. वो क्या करते हैं, देखते हैं. बाखा इज ऑफर टू एक्सेप्ट क्रिश्चियनिटी, बाखा को क्या किया जाता है, क्रिश्चियनिटी ऑफर की जाती है, बाखा को ईसाई धर्म स्वीकार करने की पेशकश की जाती है. दैट हैज़ नो कास्ट सिस्टम, जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है, एंड सो ही विल नो लॉन्गर एंड आउटकास्ट. अगर वो, ऐसा कहा जाता है कि बाखा अगर क्रिश्चियनिटी अपना लेता है, ईसाई धर्म अपना लेता है, तो वह बहिष्कृत नहीं रहेगा. बहिष्कृत मतलब उसके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, उसे बहिष्कृत, आउटकास्ट नहीं करेंगे. बट बाखा फियर्स चेंजिंग हिज रिलीजन, लेकिन बाखा क्या करता है, वो अपना धर्म बदलने से उसे डर लग रहा है, वो डर से डर लगता है अपना धर्म बदलने में. ओके, नेक्स्ट देखेंगे. सोहनी इज़ द सिस्टर ऑफ बाखा, इंपॉर्टेंट है सोहनी कौन है, तो बाखा की बहन है, पूछ लिया जाएगा सोहनी ही कैरेक्टर, तो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कम्स टू द विलेज एंड एजुकेट एवरीवन अनटचेबिलिटी. तो महात्मा गांधी गांव में आते हैं, महात्मा गांधी जी गांव में आते हैं और सभी को छुआछूत के बारे में शिक्षित करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, छुआछूत ये सब नहीं करनी चाहिए और ये सब बकवास है. मतलब उन्होंने ही ख़त्म किया, गाँव वालों को उन्होंने शिक्षा दी, ये चीज़ बताई गई है. ओके, इन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ अ पर्सन रैंडमली कम्स इनटू द सीन एंड इन्फॉर्म्स एवरीवन अबाउट अ टॉयलेट फ्लश एंड बाखा थिंक्स दैट इट विल बी अ सॉल्यूशन टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स. अचानक क्या होता है कि पैराग्राफ की कंक्लूडिंग में अगर बात की जाए, समापन में अगर बात की जाए, तो एक पर्सन क्या होता है, रैंडमली एक व्यक्ति अचानक से दृश्य में आता है, अचानक से सीन में आ जाता है और वो सभी को टॉयलेट फ्लश के बारे में सूचित करता है कि टॉयलेट को फ्लश कैसे किया जाता है, इस बारे में वो लोगों को बताता है. और बाखा भी सोचता है, बाखा सोचता है कि ये उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया. जब वो जान जाता है ये सारी चीज़ें, तो वो सोचता है कि ये उसकी सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकल गया. ओके, तो ये चीज़ें अनटचेबल में दिखाई गई है, छुआछूत के पर, छुआछूत पे कि कैसे लोगों को छूते नहीं है, छुआछूत मतलब कैसे लोगों के साथ एक बैडली व्यवहार करते हैं, उन्हें बहिष्कृत कर देते हैं, आउटकास्ट कर देते हैं, तुम्हें ये चीज़ें नहीं छूनी है, तुम्हें वो चीज़ें नहीं, चीज़ें खराब हो जाएंगी. बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, उसी पे हमारे मुल्कराज आनंद जी ने लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट वन पे आते हैं. नेक्स्ट इनका वर्क है कुली, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी वर्क है सारे मैंने इसमें लिए हैं. ओके, तो कुली को देखते हैं. तो सबसे नेक्स्ट है इनका कुली. कुली क्या है, कुली एक नॉवेल है, ये भी नॉवेल है मुल्कराज आनंद जी का. ये पब्लिश कब हुआ था, 1936 में ये पब्लिश हुआ था. द नॉवेल बिकम अ लैंडमार्क इन मॉडर्न इंडियन लिटरेचर. तो जो नॉवेल है,
जो नॉवल है वो मॉडर्न इंडियन लिटरेचर यानी कि आधुनिक भारतीय साहित्य में एक मील का पत्थर बन गया था, एक लैंडमार्क बन गया था। जिसे लैंडमार्क मतलब क्या होता है, जिसे जिसको अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके, सब याद करते हैं इस चीज़ को। ओके, तो आगे देखेंगे, द नॉवल कंडेम्ड द सोशल इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ मोर देन टू कंट्रीज सॉरी सेंचुरीज ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन एंड इंडिक्टेड इंडियाज ओन रिजिड कास्ट सिस्टम। यहाँ तक देखते हैं, ये जो नॉवल है ना, ये क्या करता है, दो सेंचुरीज से अधिक के ब्रिटिश कब्जे की सामाजिक सोशल यानी कि सामाजिक इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक एंड कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक प्रभाव की निंदा की गई है। ये जो नॉवल है इसमें क्या करता है, दो शताब्दियों से अधिक ब्रिटिश जो कब्जे की सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव की निंदा की गई है। और क्या किया गया है, एंड इंडिक्टेड इंडियाज ओन रिजिड कास्ट सिस्टम। और क्या किया गया है, और भारत की अपनी कठोर जाति व्यवस्था पर आरोप लगाया गया कि भारत में जो कठोर जातिपन दिखाया जाता है, लोग क्या करते हैं जात के भेद पे, मतलब कितना मतलब डाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। विच हैड लॉन्ग सेपरेटेड इट्स सिटीजन्स इंटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन दियर वर्क स्टेटस एंड दियर एथनिसिटी। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि जिसने लंबे समय से अपने नागरिकों को उनकी कार्य स्थिति और उनकी जातीयता के आधार पर समूहों में विभाजित किया है। बिल्कुल हमारे भारत में देख लीजिए, जात को देख लीजिए, कास्ट के सिस्टम में कितना ज़्यादा विभाजन है। ओके, चलिए, तो ये समझ में आ गया, इस पर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगी नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द नॉवल अपियर्ड एट द हाइट ऑफ टर्बुलेंट डिकेड इन विच इंडिया इटसेल्फ अंडर द मॉरल लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी बिगेन टू एजिटेट फॉर, ये इसी में आता है, एजिटेट फॉर इट्स इंडिपेंडेंस एंड इन द प्रोसेस स्ट्रगल टू डिफाइन इटसेल्फ। बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ये जो नॉवल है एक अशांत दशक के चरम पर था जब भारत ने स्वयं महात्मा गांधी के नैतिक नेतृत्व में इसके लिए आंदोलन शुरू कर दिया था। क्यों कर दिया था, इट्स इंडिपेंडेंस, अपनी इंडिपेंडेंस एंड द, और इस प्रोसेस में स्वयं को प्रभाषित करने के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया था। ये चीज़ें दिखाया जा रहा है, ये नॉवल इस चीज़ को दिखाता है कुली। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ा सा बताया है कि थोड़ा सा स्टोरी यहाँ पे क्या है कि कूली टेल द स्टोरी ऑफ द लाइफ एंड डेथ ऑफ 14 ईयर्स ओल्ड ऑर्फन नेम्ड मुन्नू। ठीक है, ये अपने ध्यान रखना है जो कि एक अनएजुकेटेड बॉय है फ्रॉम द हिल कंट्री ऑफ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। यहाँ तक देख लेते हैं, मतलब ये कूली जो इनका वर्क है, कूली उत्तर मध्य भारत के पहाड़ी देश के एक अशिक्षित लड़के मुन्नू नाम के 14 वर्षीय अनाथ के जीवन और मृत की कहानी बताता है। जो कूली है ये एक 14 साल का एक लड़का है, मुन्नू कैसा है, अनाथ है, अनाथ के जीवन और ये इसके जीवन के बारे में बताता है और इसके डेथ के बारे में, ये मुन्नू की पूरी कहानी इस कूली में दिखाया गया है, ये चीज़ें बताया गया है, ये अपने ध्यान रखना है। कहाँ का है, कंट्री ऑफ नॉर्थ सेंट्रल इंडिया का है, ये ध्यान रखना, उत्तर मध्य भारत की पहाड़ी देश का एक अशिक्षित लड़का मुन्नू, हु वर्क्स हिज शॉर्ट लाइफ टू सिक्योर गेन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड लिविंग वेज। जो क्या करता है, जो अपनी लाभकारी रोजगार और आजीविका सुरक्षित करने के लिए छोटा जीवन जीता है, एक छोटा काम करता है, छोटा जीवन काम करता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, आनंद ऑफर्स अ पोर्ट्रेट ऑफ अ स्ट्रगल टू अशर्ट वंस डिग्निटी एंड ह्यूमैनिटी एंड एमिट पावर्टी हंगर एंड डिजीज। आनंद जी क्या करते हैं, गरीबी हो या भूख हो और बीमारी के बीच किसी की गरिमा और मानवता पर जोर देने के संघर्ष का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। तो इस पे ये गरीबी हो गया, जो पावर्टी है, हंगर है, डिजीज़ है, इसी पे ये इंस्पायर होकर इन्होंने अपने वर्क को लिखा है। हमने शुरुआत में पढ़ा था इनको, गरीबों की बात जब आती है तो गरीबों के लिए भी जाना जाता है। ओके, आगे देख लेंगे हम, जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं और थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। टू लीव्स एंड अ बर्ड यानी कि दो पत्तियां एक कली, देख लेते हैं। ये भी एक नॉवल है मुल्कराज आनंद जी का और ये पहली बार पब्लिश कब हुआ था, 1937 में पब्लिश हुआ था, ये ध्यान रखना है, मतलब फर्स्ट पब्लिश इन 1937।
नेक्स्ट है इट ऑल्सो डील विद द टॉपिक ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पुअर. ये क्या करता है, ये गरीबों के उत्पीड़न के विषय से भी संबंधित है. आप खुद देख सकते हैं, आपने भी अनटचेबल देखा, कुली देखा, अब इनका वर्क है टू लीव्स एंड बर्ड. इन्होंने जितना वर्क लिखा है सब गरीबों पे लिखा है, गरीबों के जीवन को उठाया है, वहाँ से इन्होंने अपने वर्क को लिखा है. इसका मतलब इन्होंने, इनको बहुत तकलीफ होती थी, उस चीज़ से वो बहुत इंस्पायर होते थे, वहाँ से इन्होंने अपने वर्क को लिखा है. ओके तो ये जो वर्क है इनका टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये गरीबों के उत्पीड़न के विषय से भी संबंधित है, ये आपने ध्यान रखना है. इट इज़ अबाउट अ प्रेजेंट, ये डील करता है, ये डील वाला याद रखिएगा. इट इज़ अबाउट अ पीजेंट हु ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम अ ब्रिटिश सोल्जर. इसमें एक किसान के बारे में है, एक कहानी है किसान के बारे में है जो अपनी बेटी को एक ब्रिटिश सैनिक से बचाने की कोशिश करता है. ओके नेक्स्ट वन पे आते हैं. द स्टोरी इज बेस्ड इन द टी प्लांटेशन ऑफ असम. ये इम्पोर्टेंट है, ये जो स्टोरी है असम के चाय बगानों पर आधारित है, ये जो स्टोरी है. ओके क्योंकि लीफ्स से आपको खुद ही पता चलेगा ये चाय के बगानों की बात कर रहा है. द बुक वॉज सब्सिक्वेंटली अडेप्टेड टू हिंदी फिल्म राही बाय देव आनंद एंड साइमल्टेनियसली रिलीज इन इंग्लिश द वेफरर. ये जो बुक है ना, ये टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये जो बुक है ये ध्यान रखना है, ये बुक बाद में देव आनंद द्वारा हिंदी फिल्म राही में रूपांतरित है. मतलब देव आनंद के द्वारा इस बुक को ट्रांसलेट किया गया था, किसमें, हिंदी फिल्म में बनाया गया था राही. ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, और साथ ही अंग्रेजी में भी आया था ये बुक का, अडेप्टेड किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था द वेफरर में, ये आपने ध्यान रखना है. ठीक है, इस बुक पे कौन सी फिल्म बनी है, हिंदी फिल्म है राही और इंग्लिश में द वेफरर सिंपली, और हिंदी फिल्म के जो राइटर हैं वो आपके देव आनंद जी हैं, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन पे आते हैं. ओके आगे देखेंगे. द बुक डिपिक्ट इन डिटेल्स, डिटेल होगा यहाँ पे, इन डिटेल. द बुक डिपिक्ट इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट्स एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन एट द हैंड ऑफ द अदर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो बुक है आपकी, यानी कि ये जो टू लीव्स एंड अ बर्ड, ये जो बुक है आपकी, ये बुक में आज़ादी से पहले प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि बुक में आज़ादी से पहले भारत में हैव्स और हैव्स नॉट की अवधारणा और एक के हाथों दूसरे के शोषण को विस्तार से दर्शाया गया है कि क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस बुक में दिखाया गया है. इसका कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा इस बुक में. और इस बुक में क्या चीज़ें देखिए, एक के हाथों दूसरे के शोषण कैसे हो जाता है, एक के हाथ से दूसरा मतलब जो गलती करता है, इस चीज़ को इस बुक में दर्शाया गया है. ओके नेक्स्ट वन पे आते हैं. इट इज़ अ ड्रामेटिक नॉवल दैट एंड्स विद अ ट्रेजिक क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एंड डेस्टनीज. तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि ये क्या है, एक ड्रामेटिक नॉवल है जिसका एंड हितों और नियति के दुखद टकराव के साथ होता है, ये आपने देखना है. नेक्स्ट वन है द स्टोरी टेल्स द स्टोरी ऑफ गंगू. ये जो स्टोरी है ये गंगू की कहानी बताती है, हु इज़ अ मिडिल एज्ड पीजांट लिविंग इन होशियारपुर विद हिज वाइफ सजनी डॉटर लीला एंड सन बुद्धू. ये इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या कह रहा है कि ये जो कहानी है एक गंगू की कहानी बताता है जो कि एक मध्यम आयु वर्ग का किसान है. गंगू कौन है, एक फार्मर है, ये ध्यान रखना है, एक फार्मर है जो होशियारपुर में अपनी पत्नी सजनी, अपनी बेटी लीला और अपने बेटे बुद्धू के साथ रहता है, उसकी कहानी इसमें दिखाया गया है. ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट वन पे आते हैं. नेक्स्ट वन इनका वर्क है द शोवर्ड एंड द सिकल. इसको भी देख लेते हैं, द शोवर्ड एंड द सिकल, क्या बात हो रही है इसमें, क्या है तो इसमें देखेंगे. इट इज़ अ नॉवल, ये नॉवल है, ये भी आपके नॉवल है मुल्कराज आनंद जी का. पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था, 1942 में ये पब्लिश हुआ था, ये देखना है, पहली बार ये 1942 में पब्लिश हुआ था. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द राइज ऑफ पीजांट मूवमेंट इन अवध इन यूपी इन 1920-21. ये बात क्या हो रही है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये यूपी के अवध में,
ये यूपी के अवध में किसान आंदोलन के उदय की कहानी बताता है। द शोवर्ड एंड द सिकल, इसमें कहानी किसकी बताई जा रही है, एक यूपी के अवध में एक किसान मूवमेंट है, पीजांट मूवमेंट के उदय की कहानी बताता है, जो कब 1921 में है। ओके आगे है, इट वॉज पब्लिश इन लंडन, ये कहाँ पब्लिश हुआ था, ये लंदन में तब पब्लिश हुआ था वाइल आनंद वॉज लिविंग इन ब्रिटेन एंड कंपेनिंग फॉर इंडिया टू बी गिवन इंडिपेंडेंस। तो ये जो वर्क है इनका शोवर्ड एंड शिकल, ये लंदन में तब पब्लिश हुआ था जब आनंद जी ब्रिटेन में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे, ब्रिटेन में रह रहे थे और भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अभियान चला रहे थे, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट है, द टाइटल फॉर द बुक वॉज गिवेन टू आनंद बाई जॉर्ज ऑरवेल। इंपॉर्टेंट है ये कि ये जो टाइटल है ना, इस बुक की जो टाइटल है, इसको दिया किसने है, तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा दिया गया था आनंद जी को। ओके जो बुक का टाइटल है आनंद को जॉर्ज ऑरवेल ने दिया था, ये ध्यान रखना है। टू लीव्स एंड अ बर्ड, सॉरी द शोवर्ड एंड शिकल, द बुक वॉज द फाइनल पार्ट ऑफ द ट्राइलोजी दैट इंक्लूडेड। तो ये जो बुक है ना आपका शोवर्ड एंड शिकल, ये जो बुक है ये ट्राइलोजी का फाइनल पार्ट है, ये ध्यान रखना है, जिसमें इंक्लूड क्या है, द विलेज इंक्लूड है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इंक्लूड है, ये आपने ध्यान रखना है। मतलब ट्राइलोजी के ये फाइनल पार्ट का बुक है ये, और इसमें आपके विलेज भी इंक्लूड है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स भी इंक्लूड है। नेक्स्ट इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, ये आपने ध्यान ही रखना है, इसको तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाना चाहूँगी, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मॉर्निंग फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। इट इज़ अ नॉवेल बाय मुल्कराज आनंद, ये भी एक नॉवेल है मुल्कराज आनंद जी का, और ये भी पहली बार पब्लिश कब हुआ था, 1968 में हुआ था। नेक्स्ट क्या है, द बुक वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971, इसलिए मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इस बुक की वजह से इनको 1971 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द बुक फीचर्स आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव दैट वॉज फर्स्ट यूज बाय हिम सेवन समर्स। तो ये क्या कह रहा है कि जो बुक है, ये जो बुक है ये 1971 में तो मिल गया था इनको, 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था इस बुक की वजह से। इस बुक में आनंद की जो, आनंद जी की जो ऑटोबायोग्राफी कथा है, यानी कि आत्मकथात्मक कथा है, जिसका यूज़ पहली बार उनके द्वारा सेवन समर्स में किया गया था। तो ये ध्यान रखना है, इस बुक में फीचर किसका मिलेगा, आनंद जी का ऑटोबायोग्राफिकल नैरेटिव, यानी कि आत्मकथात्मक कथा है इस बुक में, और जिसका यूज़ उन्होंने पहली बार किस में किया था, उन्हीं के द्वारा सेवन समर्स में किया गया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ही डिलीवर द स्टोरी थ्रू अ पर्सनलाइज्ड टेलिंग ऑफ द लेट इंडिपेंडेंस एरा पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। यहाँ पे बात क्या हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि उन्होंने इंडिपेंडेंस एरा यानी कि स्वतंत्रता युग की राजनीति, इंडिपेंडेंस एरा पॉलिटिक्स यानी कि स्वतंत्रता युग की राजनीति और इतिहास के व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से कहानी पेश करते हैं। कहानी वो कैसे डिलीवर करते हैं ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस एरा पॉलिटिक्स और इतिहास के व्यक्तिगत विवरण के माध्यम से वो कहानी को डिलीवर करते हैं। आनंद कंसिडर्ड द बुक टू बी एन ऑन द स्ट्रक्चरल लाइन्स ऑफ राजा राव द सर्पेंट एंड द रोप बट सेपरेटेड बाई द वैल्यूज एस्पाउड। यहाँ पर बात क्या हो रही है कि आनंद जी ने इस पुस्तक को, इस बुक को राजा राव के द सर्पेंट ऑफ द रोप की जो स्ट्रक्चरल लाइन है यानी कि संरचनात्मक तर्ज पर माना है इन्होंने इसे। यानी यहाँ बात क्या हो रही है कि आनंद जी ने इस बुक को राजा राव की जो वर्क है द सर्पेंट ऑफ द रोप, इसका जो स्ट्रक्चरल लाइन है इस पर, इस तर्ज पर उन्होंने माना है, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, बाद में इन्होंने जो वैल्यूज एस्पाउज्ड है यानी कि समर्थित मूल्यों से इन्होंने इसे अलग कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। नेक्स्ट वन है, द नॉवल वॉज ट्रांसलेटेड इन टू तेलुगु लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। रेवरी अनंत पद्मनाभ राव एंड टाइटल प्रभाता, ये ध्यान रखना है। ओके प्रभात वदनम इन 1992। यहाँ पे बात क्या हो रही है, ये जो नॉवेल है इसको ट्रांसलेट किस में किया गया था, तेलुगु लैंग्वेज में किया गया था, किसने किया था, तो रेवरी अनंता
सॉरी रेवरी अनंत, रेवरी अनंत पद्मा पद्मा पद्मना भावराव। ओके यहाँ तक मैं लगा दे रही हूँ। तो ये जो नॉवल है इसको ट्रांसलेट तेलुगु लैंग्वेज में किया था, किसने किया था? रेवरी अनंत पद्मना भावराव ने किया था और एन टाइटल प्रभात वदनम इन 1992 और 1992 में प्रभात वदनम शीर्षक से किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ओके तो ये जो नॉवल है तेलुगु भाषा में अनुवाद रेवरी अनंत पद्मना भावराव द्वारा 1992 में प्रभात वदनम शीर्षक से किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके आगे देखते हैं, आगे बस इतना ही मैंने लिया था, बाकी यहाँ से आपके क्वेश्चन पक्का बनेंगे आपके आनंद जी से, मुल्कराज आनंद जी से यहाँ से आपका बन जाएगा क्वेश्चन। आपकी ये जो वीडियो है ना ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली मैं बात करूँ तो इस समय एग्ज़ाम जो आपका EMRS का एग्ज़ाम होने वाला है तो उन्हीं पे मैंने बनाया है EMRS का, और बहुत जल्द मैं इसकी प्रैक्टिस सेशन लेके आने वाली हूँ EMRS का आपका, तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए। और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी आप इस वीडियो को अगर एक बार देखेंगे ना, की फैक्ट्स हैं सारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का एक दो आने ही आने हैं। चलिए फिर मिलते हैं, इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे हिना इंग्लिश क्लासेस से ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, या फिर मेरे WhatsApp पे भी आप जुड़ जाइएगा, मैंने टेलीग्राम पे WhatsApp नंबर शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे मेरे WhatsApp ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ओके चलिए फिर, और फर्स्ट टाइम जो चैनल को मेरे वॉच कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।